राक्षसी समझी कि यह कोई बड़े उदार आत्मा और उज्जवल आचारवान है और जीवों के समान नहीं, यह बड़े प्रकाशमान और धैर्यवान जान पड़ते हैं। उदार आत्मा कैसे इनके वचन ज्ञानवानों से मिलते हैं। अब मैंने इनको जाना है और इन्होंने मुझको जाना है, इससे मुझको इसका नाश भी न होगा। अविनाशी पुरुष ब्रह्म सत्ता में स्थित हैं, इससे ज्ञानवान हैं। ऐसा निश्चय ज्ञान बिना किसी को नहीं होता, परंतु कदाचित अज्ञानी हो तो फिर संदेह को अंगीकार करके पूछती हूँ। जो संदेहवान होकर बोधवान से नहीं पूछते, वे भी नीच बुद्धि हैं। हे राम जी, ऐसा मन में विचार फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा आचार क्या है? निष्पाप महापुरुषों को देख के मित्र भाव उपज आता है। मंत्री बोला, किरात देश का यह राजा है और मैं इनका मंत्री हूँ। रात्रि में तुमसे दुष्टों के मारने के निमित्त उठे हैं। रात्रि दिन में हमारा यही आचार है कि जो जीव धर्म की मर्यादा त्यागने वाले हैं, उनका हम नाश करते हैं, जैसे अग्नि ईंधन का नाश करता है। राक्षसी बोली, हे राजन, यह तेरा दुष्ट मंत्री है। जिस राजा का मंत्री भला नहीं होता, वह राजा भी भला नहीं होता, और जिस राजा का मंत्री भला होता है, उसकी प्रजा भी शांतिमान होती है। भला मंत्री वह कहता है जो राजा को न्याय और विवेक में लगावे। जो राजा विवेकी होता है वह शांतात्मा होता है, और जो राजा शांतिमान हुआ तब प्रजा भी शांतिमान होती है। सब गुणों से जो उत्तम गुण है वह आत्मज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही राजा, और जिसमें प्रभुता और समदृष्टि हो वही मंत्री है। जो प्रभुता और समदृष्टि से रहित है वह न राजा है न मंत्री है। हे राजन, जो तुम आत्मज्ञानवान पुरुष हो तो तुम कल्याण रूप हो। जो ज्ञान से रहित होता है उसको मैं भोजन करती हूँ। तुम्हारे छूटने का उपाय यही है कि जो मैं प्रश्नों का समूह पूछती हूँ उसका उत्तर दो। जो तुमने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पूजने योग्य हो, और जो मेरा अर्थ होगा सो कहूँगी, तुम पूर्ण करना। और जो तुमने प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुम्हारा भोजन करूंगी। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी विचारो नाम चतुः पंचाश सप्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राक्षसी ने कहा तब राजा बोला, तू प्रश्न कर, हम तुमको उत्तर देंगे। राक्षसी बोली, हे राजन, वह कौन अणु है जिससे अनेक प्रकार हुए हैं और एक के नाम अनेक हैं? और वह कौन अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांड होते हैं और लीन हो जाते हैं, जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे उपजकर लीन होते हैं? वह कौन आकाश है जो पोल से रहित है, और कौन अणु है जो न किंचित है न अकिंचित है? वह कौन अणु है जिसमें तेरा और मेरा अहं फुरता है? और वह कौन है जो अहं त्वं एक में जानता है? वह कौन है जो चला जाता है और कदाचित नहीं चलता? और वह कौन है जो तिष्ठत भी है और अतिष्ठत भी है? वह कौन है जो पाषाणवत है? और वह कौन है जिसने आकाश में चित्र किए हैं? वह कौन अग्नि है जो दाहक शक्ति से रहित है और अग्नि रूप है? और वह अग्नि कौन है जिससे अग्नि उपजती है? वह कौन अणु है जो सूर्य अग्नि चंद्रमा और तारों के प्रकाश से रहित और अविनाशी है? और वह कौन है जो नेत्रों से देखा नहीं जाता और सब प्रकाशों को उत्पन्न करता है? वह कौन ज्योति है जो फूल फल और बेल को प्रकाशती है और जन्मांध को भी प्रकाशती है? वह कौन अणु है जो आकाशादिक भूतों को उपजाता है? और वह कौन अणु है जो स्वाभाविक प्रकाशमान है? वह भंडार कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न उपजते हैं? वह कौन अणु है जिसमें प्रकाश और तम इकट्ठे रहते हैं? और वह कौन अणु है जिसमें सत और असत इकट्ठे रहते हैं? वह कौन अणु है जो दूर है परंतु दूर नहीं? और वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदिक पर्वत भी समाये रहे हैं? वह कौन अणु है जिसमें निमेश में कल्प और कल्प में निमेश है? और वह कौन है जो प्रत्यक्ष और असत रूप है? वह कौन है जो सत और अप्रत्यक्ष रूप है? वह कौन चेतन है जो अचेतन है? और वह कौन वायु है जो अवायु रूप है?
वह कौन है जो अशब्द रूप है, और वह कौन है जो सर्व और निष्किंचित है? वह कौन अणु है जिसमें अहम नहीं है? वह कौन है जिसको अनेक जन्मों के यत्न से पाता है और पाके कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया? वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदिक तीनों भुवन तृण समान हैं? और वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है? वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत फुर आता है? और वह कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदिक स्थूल आकार को प्राप्त होता है? वह कौन अणु है जो बाल का सौवां भाग और सुमेरु से भी ऊंचा हुआ है? वह कौन अणु है जिसमें सब अनुभव स्थित हैं? और वह कौन अणु है जो अत्यंत निसत स्वाद है और आप ही सब स्वाद होता है? वह कौन अणु है जिसको अपने ढांपने की सामर्थ्य नहीं और सबको ढांप रहा है? वह कौन अणु है जिससे सब जीते हैं? वह कौन अणु है जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयव को धारण कर रहा है? वह कौन निमेश है जिसमें बहुतेरे कल्प स्थित हैं? वह कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित हैं, जैसे बीज में वृक्ष होता है? वह कौन अणु है जिसमें बीज से आदि फल पर्यंत अन उदय हुए भी भासते हैं? वह कौन है जो प्रयोजन और कर्तृत्व से रहित है और प्रयोजनवान और कर्तृत्ववान की भांति स्थित है? वह कौन दृष्टा है जो दृश्य से मिलकर दृश्य होता है? और वह कौन है जो दृश्य से नष्ट हुए भी आपको अखंड देखता है? वह कौन है जिसके जाने से दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों लय हो जाते हैं, जैसे सोने के जाने से भूषण भाव लीन हो जाते हैं? और वह कौन है जिससे भिन्न कुछ नहीं, जैसे जल भिन्न तरंगों का अभाव है? वह एक ही कौन है जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत असत की भांति स्थित है? और वह कौन अद्वैत है जिससे द्वैत भी भिन्न नहीं, जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं? वह कौन है जिसके देखे सत्ता असत्ता सब लीन होती है? और वह कौन है जिसमें भ्रम रूपी अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है? वह कौन है जो सबके भीतर है, जैसे वृक्ष में बीज होते हैं? और वह कौन है जो सत्ता असत्ता रूपी आप ही हुआ है, जैसे बीज वृक्ष रूप है और वृक्ष बीज रूप है? वह अणु कौन है जिसमें तांत भी सुमेरु की भांति स्थूल है और जिसके भीतर कोटि ब्रह्मांड है? हे राजन, उस अणु को देखा हो तो कहो यही मुझको संशय है, इसको तुम अपने मुख से दूर करो। जिससे संशय निवृत्त न हो उसको पंडित न कहना चाहिए। जो ज्ञानवान हैं उनको इन प्रश्नों का उत्तर कहना सुगम है, इन संशयों को वह शीघ्र ही निवृत्त कर देते हैं। जो अज्ञानी हैं उनको उत्तर देना कठिन है। हे राजन, जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम मेरे पूजने योग्य हो, और जो मूर्खता से प्रश्नों का उत्तर न दोगे और प्रश्नों के विपर्य जानोगे तो तुम दोनों को भोजन कर जाऊंगी और फिर तुम्हारी सब प्रजा को ग्रास कर लूंगी। क्योंकि मूर्ख पापियों को मारना श्रेष्ठ है कि आगे के पाप को करने से छूटेंगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार राक्षसी कहकर और शुद्ध आशय को लेकर तुष्णीम हुई और जैसे शरत काल में मेघ मंडल निर्मल होता है तैसे निर्मल हुई। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी प्रश्न वर्णन नाम पंच पंचाशत्तम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस राक्षसी ने महाप्रश्न किए तब महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये जो तुमने संशय प्रश्न किए हैं उनका मैं क्रम से उत्तर देता हूँ। जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट करता है तैसे मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूँ। तूने सब प्रश्न परमात्मा ही के विषय में किए हैं, इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से किए हैं सो ब्रह्मवेत्ता के योग्य हैं। हे राक्षसी, जो अनामाख्य है अर्थात सर्व इंद्रियों का विषय नहीं और अगम है और मन की चिंतना से रहित है, ऐसी सत्ता चिन्मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है, इस कारण सूक्ष्म कहाता है। सूक्ष्मता से ही उसकी संज्ञा अणु है। उस अणु में सत असत की भांति जगत स्थित है और उस ही चिद अणु में सब कुछ संवेदन फुरता है।
वही संवेदन सत्य असत्य जगत की भांति भासता है, इससे उसे चित कहते हैं। सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ न था, इससे निष्किंचन कहता है, और इंद्रियों का विषय नहीं, इससे न किंचित है। उसी चिद अणु में सबका आत्मा है, इससे वह अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है, और उसमें कुछ भिन्न नहीं, इससे किंचन नहीं। वही चिद अणु सबका आत्मा है, और एक ही आभास से अनेक रूप भासता है, जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं। वही चिद अणु परमाकाश रूप है, जो आकाश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से अतीत है, सर्वात्मा है। शून्य कैसे हो? सत को जो शून्य कहते हैं वह उन्मत्त हैं, क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय असत भी सिद्ध होता है सो सत है। वह चिद अणु पंच कोशों में नहीं छिपता, जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, तैसे ही पंच कोश में आत्मा नहीं छिपती। अनुभव रूप है, वही चिन्मात्र सर्व रूप से किंचित है, और अचेतन चिन्मात्र है, इससे अकिंचित इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उस ही चिद अणु में फुरने से अनेक जगत स्थित हैं, जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन होते हैं, तैसे ही चिद अणु में फुरने से अनेक जगत उपज के लीन होते हैं। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, इससे शून्य कहता है, और अपने आप ही प्रकाशता है, इससे अशून्य है। हे राक्षसी, मेरा तेरा अहं एक ही आत्मा है। अहं की अपेक्षा से त्वंग है, और त्वंग की अपेक्षा से मैं परिछिन्न हूँ, परंतु दोनों का उत्थान एक आत्मतत्व से ही है। उस ही चिदाणु के बोध से ब्रह्म रूप होता है, और उस ही बोध में अहं त्वंग सब लीन होते हैं, अथवा सर्व आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है, वहाँ चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है, कदाचित चलायमान नहीं होता, क्योंकि संवित अनंत रूप है, योजनों के समूह उसके भीतर हैं। वास्तव में न कोई आता और न जाता है, अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित है, जिसमें सब कुछ हो उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो। यह जितना जगत है वह तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जावे। जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस निमित्त कहाँ जावे, तैसे ही आत्मा में यह जगत स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाए। देह की अपेक्षा से चलता भासता है, वह कदाचित चला नहीं। जैसे आकाश में घटादिक स्थित हैं, तैसे ही चिद अणु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक देश से देशांतर को जावे तो घट जाता है, आकाश नहीं जाता, पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता भासता है। वास्तव में घटाकाश कहीं नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित हैं, यह कहाँ जावे। तैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। उस ही चिन्मात्र परमात्मा में संवेदन आकार रचे हैं, और आदि अंत से रहित विचित्र रूपी जगत रचा है। वही चिद अणु अग्नि की भांति प्रकाश रूप है, और जलाने से रहित है। ज्ञान अग्नि से प्रकाशमान है, अग्नि भी उससे उपजी है, और सर्वगत वही है, द्रव्यों को पचाता भी वही है। प्रलय में सब भूत उसमें ही लीन होते हैं, और पुष्कल मेघ इकट्ठा हों तो भी उसको आवरण नहीं कर सकते। वह सदा प्रकाश और ज्ञान रूप है, आकाश से भी निर्मल है, और अग्नि भी उससे उत्पन्न होती है। सबको सत्ता देने वाला वही है, और सूर्यादिक भी उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं। वह अनुभव रूप है, और नेत्रों बिना भासता है। ऐसा हृदय रूपी मंदिर का दीपक आत्मा अनंत और परम प्रकाश रूप है, और मन और इंद्रियों का विषय नहीं। वह लता फूल फल आदिक सबको आत्म तत्व से प्रकाशता है, सबका अनुभव करता वही है, और काल आकाश क्रिया आदिक पदार्थों को सत्ता देने वाला भी वही चिद अणु है, सबका स्वामी करता वही है, सबका पिता भोक्ता भी वही है, और सदा अकर्ता अभोक्ता रूप है। जैसे स्वप्न में कर्ता भोक्ता भासता है, पर अकर्ता अभोक्ता है, उससे भिन्न नहीं, इस कारण किंचन रूप है, और जगत को धारण करने वाला है। स्वरूप से मात्र मान मेय जिससे प्रकाशते हैं, और कुछ उपजा नहीं, चिदात्मा का किंचन है, किंचन से जगत की भांति भासता है।
तूने जो पूछा था कि दूर और निकट कौन है, सो अलख भाव से दूर भी वही है और चिद्रूप भाव से निकट भी वही है, अथवा ज्ञान से निकट है और अज्ञान से दूर है, अज्ञान से तप रूप है और ज्ञान से प्रकाश रूप भी वही है, और उस ही चिद अणु में संवेदन से सुमेरु आदिक स्थित हैं। हे राक्षसी, जो यह जगत भासता है वह सब संवेदन रूप है, सुमेरु आदिक पदार्थ कुछ उपजे नहीं, चिद सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है, उसमें जैसा संवेदन फुरता है तैसा आकार हो भासता है, जहाँ निमेश का संवेदन फुरता है वहाँ निमेश कहता है, और जहाँ कल्प का संवेदन फुरता है वहाँ उसे कल्प कहते हैं, कल्प क्रिया आदिक जगत विलास सब निमेश में फुर आए हैं, जैसे मन के फुरने से बहुत योजनों पर्यंत पुरुष देख आता है, और जैसे छोटे शरीर में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समा जाता है, तैसे ही एक निमेश के फुरने में सब जगत फुर आता है, एक निमेश में कल्प समुद्र पुर इत्यादिक अनंत योजनों का विस्तार चिद अणु में स्थित है और एक दो के भ्रम से रहित है। हे राक्षसी, इस जगत का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदन से भासता है, जैसा जैसा संवेदन में दृढ़ प्रतीत होता है तैसा ही तैसा अनुभव होता है, देख क्षण में स्वप्न में सत असत जगत फुर आता है और बहुत काल का अनुभव होता है, जो दुखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता और सुखी जनों को बहुत काल में थोड़ा काल भासता है, जैसे हरिश्चंद्र को एक रात्रि में द्वादश वर्ष का अनुभव हुआ था। इससे जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो भासते हैं और सत भी असत की भांति भासता है, जैसे सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है तो भूषण भासते हैं और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता से तरंग भिन्न भासते हैं, तैसे ही निमेश में कल्प भासते हैं, पर वास्तव में न निमेश है न कल्प है न दूर है न निकट है, चिद अणु आत्मा का सब आभास है। हे राक्षसी, प्रकाश और तम दूर और निकट सब चेतन संपुट में रत्न की भांति हैं और वास्तव में अनन्य रूप हैं, भेदा भेद कुछ नहीं। हे राक्षसी, जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता, जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक स्वर्ण नहीं भासता और जब स्वर्ण जाना गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती, स्वर्ण ही भासता है, तैसे ही जब तक दृश्य का स्पंद भाव होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता और जब आत्मज्ञान होता है तब केवल ब्रह्म सत्ता ही निर्मल हो सद्रूप से सर्वत्र भासती है। दुर्लक्षता अर्थात मन और इंद्रियों के अविषय से असत रूप रहते हैं, चैतन्यता से उनको चेतन कहते हैं और चैत्य के अभाव से अचेतन रूप कहते हैं, अर्थात चैत्य के अभाव से अचैत्य चिन्मात्र कहते हैं, चेतन चमत्कार से जगत की भांति हो भासता है। हे राक्षसी, और जगत उससे कोई नहीं, जैसे वायु का गोला वृक्षाकार हो भासता है और सघन धूप से मृगतृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही एक अद्वैत चेतन घन चैतन्यता से जगत की भांति हो भासता है, जैसे सघन शून्यता से आकाश में नीलिमा भासती है तैसे ही दृढ़ सघन चेतनता से जगत भासता है, जैसे सूर्य की सूक्ष्म किरणों का किंचन मृगतृष्णा का जल होता है, उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, तैसे ही इस जगत की आस्था भासती है, पर सब आकाश रूप है, जैसे भ्रम से धूल के कण में स्वर्ण की भांति चमत्कार होता है तैसे ही जगत कल्पना चित्त के फुरने से भासती है, जैसे स्वप्नपुर और गंधर्व नगर आकार सहित भासते हैं, सो न सत हैं न असत हैं, तैसे ही यह जगत दीर्घ स्वप्न है, तो न सत है और न असत है। हे राक्षसी, जब आत्मा में अभ्यास हो तब यह कुंडादिक ऐसे ही रहें और आकाश रूप हो भासें, कुंडादिक भी आकाश रूप हैं, आकाश और कुंडादिकों में भेद कुछ नहीं, मूढ़ता से भेद भासता है, ज्ञानी को सत चिदाकाश रूप भासता है।
हे राक्षसी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत के संवेदन में जैसी कल्पना दृढ़ हो रहती है तैसे ही भासती है, और वास्तव में वही चिदाकाश प्रकाशता है। घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारों की भांति प्रकाशता है, और उसी का यह प्रकाश है। जैसे बीज और वृक्ष अनन्य रूप हैं, तैसे ही असंख्य रूप जगत जो ब्रह्म सत्ता में स्थित है वह अनन्य रूप है। जैसे बीज में वृक्ष का भाव स्थित है सो आकाश रूप है, तैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है सो अक्षोभ रूप है, अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुए। ब्रह्म सत्ता सब ओर से शांत रूप, अज, एक और आदि मध्य अंत से रहित है, उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं। वह अनुदय ही उदय हुआ है और निर्मल स्व प्रकाश आत्मा है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी प्रश्न भेदो नाम षट पंच सप्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, बड़ा आश्चर्य है कि मंत्री ने तो यह परम पावन परमार्थ वचन कहे, और कमल नयन राजा ने भी कहा, हे राक्षसी, यह जो जागृत जगत की प्रतीति होती है, इसका जब अभाव हो तब आत्मा की प्रतीति होती है, जब सब संकल्प की चैत्यता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। उस आत्मसत्ता में संवेदन फुरने से जगत भासता है, और संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय होता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्मसत्ता है, जिसको वेदांत वाक्य जतावने के अर्थ कुछ कहते हैं, क्योंकि वाणी से अतीत पद है। हे राक्षसी, यह जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य है, इसके अनंतर जो अनुभव सत्ता है सो परमात्मा है। वह परमात्मा ही दृष्टा, दर्शन, दृश्य रूप होकर भासता है। उसमें यह सब जगत लीला है। नानात्व भाव से भी वह कुछ खंडित भाव को नहीं प्राप्त होता, अखंड ही है। उसी तन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। हे भद्रे, वही चिद अणु संवेदन से वायु रूप हुआ है, और वायु उसमें अत्यंत भ्रांति मात्र है, क्योंकि केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है। जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप हो भासता है, और शब्द रूप उसमें भ्रांति मात्र है। उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखना दूर से दूर है, क्योंकि केवल चिन्ह मात्र है। उसमें अहंग त्वंग कुछ नहीं, वह निष्किंचन है, ऐसे रूप होकर भासता है, क्योंकि शक्ति रूप है। उसमें जैसी प्रतिभा फुरती है तैसे ही होकर भासता है। इससे फुरना ही इस जगत का कारण है। जो अनेक यत्नों से मिलता है सो भी आत्मसत्ता है। जब उसको कोई पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया है। पाया तो इस कारण नहीं कि आगे भी अपना आप था, और सब कुछ इस कारण पाया कि आत्मा को पाने से कुछ और पाना नहीं रहता। हे राक्षसी, अज्ञान रूपी वसंत ऋतु में जन्मों की परंपरा बेल की तब तक बढ़ जाती है जब तक इसका काटने वाला बोध रूप खड़ग नहीं प्राप्त हुआ। जब बोध रूप खड़ग प्राप्त होता है तब जन्म रूपी बेल को काटता है। हे राक्षसी, चिदअणु संवेदन द्वारा आपको दृश्य में प्रतीत कराता है। जैसे किरणों का चमत्कार जल रूप होकर स्थित होता है सो शुद्ध ही आपको संवेदन द्वारा फुरता देखता है। चिदअणु द्वारा जो जगत हुआ है सो मेरु से आदि लेकर तीनों भुवनों में किरणों की भांति स्थित होता है, और वास्तव में सब माया मात्र है, भ्रम से भासते हैं। जैसे स्वप्न में रागी को स्वप्न स्त्री का आलिंगन होता है तैसे ही यह जगत मन के फुरने से भासता है, सो भ्रम मात्र है। हे राक्षसी, सर्वशक्ति रूप आत्मा में जैसे सृष्टि का आदि फुरना हुआ है तैसे ही रूप होकर भासने लगा है, और जैसे संकल्प किया है तैसे ही स्थित हुआ है। इससे सब जगत संकल्प मात्र है। जैसे जिसमें बालक का मन लगता है तैसा ही रूप उसका हो भासता है, तैसे ही संवित के आश्रय ऐसा संवेदन फुरता है, तैसा ही रूप हो भासता है। हे राक्षसी, चिद अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, और उसने ही सब जगत को पूर्ण किया है, और सब जगत अनंत रूप आत्मा है। उसमें संवेदन से जगत की रचना हुई है। जैसे नट नायक जैसे जैसे बालक को नेत्रों से जताता है तैसे ही तैसे वह नृत्य करता है, और जब वह ठहर जाता है
तब यह भी ठहर जाता है। तैसे ही चित्त के अवलोकन से सुमेरु से तृण पर्यंत जगत नृत्य करता है। जैसे चित्त संवेदन अनंत शक्ति आत्मा में फुरता है, तैसे ही तैसे हो भासता है। हे राक्षसी, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से आत्मसत्ता रहित है, इस कारण सुमेरु आदिक से भी स्थूल है। उसके सामने सुमेरु आदिक तृण के समान हैं और बाल के अग्र के सहस्रों भाग से भी सूक्ष्म हैं। अल्पता से ऐसा सूक्ष्म नहीं जिसमें सरसों का दाना भी सुमेरुवत स्थूल है। माया की कला बहुत सूक्ष्म है, उससे भी चिद अणु सूक्ष्म हैं, क्योंकि निर्मयादिक पद परमात्मा है। जैसे स्वर्ण और भूषण की शोभा समान नहीं, अर्थात स्वर्ण में भूषण कल्पित है, समान कैसे हो? तैसे ही माया परमात्मा के समान नहीं, क्योंकि कल्पित है। हे राक्षसी, जैसे सूर्य आदिक सब अनुभव से प्रकाशते हैं, इनका सद्भाव कुछ न था, उस सत्ता से ही इनका प्रकट होना हुआ है और फिर जर्जरी भूत होते हैं। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता प्रकाश रूप है और वह सदा अपने आप में स्थित है। उस चिद अणु के भीतर बाहर प्रकाश है और यह जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदिक प्रकाश हैं, सो तम से मिले हुए हैं, अर्थात भेद रूप हैं। ये भी तम रूप हैं, क्योंकि प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं। इसमें इतना भेद है कि प्रकाश शुक्ल रूप है और तम कृष्ण रूप है, इससे रंग का भेद है, प्रकाश रूप कोई नहीं। जैसे मेघ का कुहरा श्याम होता है और बर्फ का शुक्ल होता है, पर दोनों कुहरे हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों तुल्य हैं और आत्मसत्ता दोनों को प्रकाशती है। इससे दोनों का आश्रय भूत आत्मसत्ता ही है। हे राक्षसी, रात्रि दिन भीतर बाहर नदियां पहाड़ आदि सब लोक आत्मसत्ता के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे कमल और नीलोत्पल दोनों को सूर्य प्रकाशता है, कमल श्वेत है और नीलोत्पल श्याम है। जहाँ श्वेत कमल है वहाँ नीलोत्पल का अभाव है और जहाँ नील कमल है वहाँ श्वेत कमल का अभाव है, पर दोनों का प्रकाशक सूर्य है। तैसे ही तम और प्रकाश दोनों का प्रकाशक चिदात्मा है। जैसे रात्रि और दिन दोनों सूर्य से सिद्ध होते हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों आत्मा से सिद्ध होते हैं। जैसे दिन तब कहता है जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तब रात्रि होती है, आत्मा तैसे भी नहीं, आत्म प्रकाश सदा उदय रूप है और उदय अस्त से रहित भी है, उस बिना कुछ सिद्ध नहीं होता, सबका प्रकाशक चिद अणु ही है। हे राक्षसी, उस अणु के भीतर विचित्र अनुभव अणु है। जैसे वसंत ऋतु में पत्र फूल फल और टास होते हैं, तैसे ही चिद अणु में सब अनुभव अणु होते हैं। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष क्रम से हो आते हैं, तैसे ही एक चिद अणु से अनेक अनुभव अणु होते हैं। कई व्यतीत हुए हैं, कई वर्तमान हैं और कई होंगे। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, सो कोई अब वर्तते हैं और कई आगे होंगे, तैसे ही आत्मा में तीनों काल की सृष्टि वर्तती है। हे राक्षसी, चिद अणु आत्मा उदासीन है और आसीन की भांति स्थित होता है, सबका कर्ता भी है और भोक्ता भी है, और स्पर्श किसी से नहीं किया जाता। जगत की सत्यता उसी से उदय होती है, इस कारण वह सबका कर्ता है और सबका अपना आप है, इससे सबको भोगता है। वास्तव में न कुछ उपजा है और न लीन होता है। चिन्मात्र सत्ता ज्यों की त्यों सदा अपने आप में स्थित है और अखंड और सूक्ष्म है, इस कारण किसी से स्पर्श नहीं किया जाता है। हे राक्षसी, जो कुछ जगत दिखता है वह सब आत्मरूप है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा और जगत कहने मात्र को दोनों नाम हैं, वास्तव में एक आत्मा ही है। आत्मा का चमत्कार ही जगत रूप हो भासता है, वास्तव में जगत कुछ बना नहीं। चिन्मात्र सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, जो कुछ कहना है वह उपदेश के निमित्त है। वास्तव में दूसरी कुछ वस्तु नहीं बनी, तीनों जगत चिदाकाश रूप हैं। हे राक्षसी दृष्टा, जब दृश्य पद को प्राप्त होता है तब स्वाभाविक ही अपने भाव को नहीं देखता। जैसे नेत्र जब घट को देखता है तब घट ही भासता है, अपना नेतृत्व भाव नहीं दृष्टि आता,
तैसे ही दृश्य के होते दृष्टा नहीं भासता, और जब दृश्य नष्ट होता है तब दृष्टा भी अवास्तव है, क्योंकि दृष्टा भी दृश्य के संबंध से कहते हैं। जब दृश्य नष्ट हो जावे तब दृष्टा किसको कहिए? दृश्य विषय भूत वह होता है जो अदृश्य है, वह विषय भूत किसी का नहीं, इस कारण उसमें और कोई कल्पना नहीं बनती, और यह जगत भी उसका ही आभास है। हे राक्षसी, जैसे भोक्ता बिना भोग नहीं होते, तैसे ही दृष्टा बिना दृश्य नहीं होता। जैसे पिता बिना पुत्र नहीं होता, तैसे ही एक बिना द्वैत नहीं होते। हे राक्षसी, दृष्टा को दृश्य उपजाने की सामर्थ्य है, दृश्य को दृष्टा उपजाने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि दृश्य जड़ है। जैसे सुवर्ण से भूषण बनता है पर भूषण से सुवर्ण नहीं बनता, तैसे ही दृष्टा से दृश्य होता है, दृश्य से दृष्टा नहीं होता। हे राक्षसी, सुवर्ण में जैसे भूषण है तैसे ही दृष्टा में जो दृश्य है वह भ्रम रूप है, इसी से जड़ रूप है। जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृश्य दृश्य भासता है, दृष्टत्व भाव नहीं भासता, और जब दृष्टा अपने स्वभाव में स्थित होता है तब दृश्य नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक सुवर्ण नहीं भासता, भूषण ही भासता है, और जब सुवर्ण का ज्ञान होता है तब सुवर्ण हो भासता है, भूषण नहीं भासता। एक सत्ता में दोनों नहीं सिद्ध होते। जैसे अंधकार में किसी पुरुष को देखकर उसमें पशुत्व भ्रम हो तो जब तक पशुत्व बुद्धि होती है तब तक पुरुष का निश्चय नहीं होता, और जब निश्चय करके पुरुष जाना तब फिर पशु बुद्धि नहीं रहती। तैसे ही जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृष्टा भाव नहीं दिखता, दृश्य ही भासता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का अभाव हो जाता है, तैसे ही बोध करके दृश्य का अभाव होता है, तब एक ही परमात्म सत्ता भासती है, दृष्टा संज्ञा भी नहीं रहती। जैसे दूसरे की अपेक्षा से एक कहता है और दूसरे के अभाव से एक एक नहीं कह सकते, तैसे ही दृश्य के अभाव से दृष्टा कहना नहीं रहता, केवल शुद्ध संवित मात्र पद शेष रहता जिसमें वाणी की गम नहीं। जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता है तैसे ही दृष्टा दर्शन और दृश्य को प्रकाशता है, और बोध से मात्र मान मेय त्रिपुटी लीन हो जाती है। जैसे सुवर्ण के जानने से भूषण की कल्पना का अभाव हो जाता है, तैसे ही ज्ञान से त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, केवल शुद्ध अद्वैत रूप रहता है। हे राक्षसी, परमाणु जो अत्यंत निसस्वाद रूप है वह सर्व स्वादों को उपजाता है। जहाँ रस सहित होता है वह चिदअणु करके होता है। जैसे आदर्श बिना प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे ही सब स्वाद चिदअणु बिना नहीं होते। सबको रस देने वाला चिदअणु ही है, आत्मभाव से सबका अधिष्ठान है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इससे निसस्वाद है। वह चिदअणु आपको छिपा नहीं सकता, सब जगत को उसने ढांप रखा है, और आप किसी से ढांपा नहीं जाता। यह चिदाकाश रूप है, सब पदार्थों को सत्ता देने वाला है, और सबका आश्रय भूत है। जैसे घास के वन में हाथी नहीं छिपता, तैसे ही आत्मा किसी पदार्थ से नहीं छिपता। हे राक्षसी, जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो सदा प्रकाश रूप है वह मूर्खों को नहीं भासता, यह बड़ा आश्चर्य है। वह सदा अनुभव रूप है और यह सब जगत उसी से जीता है। जैसे वसंत ऋतु से फूल फल टास और पत्र फूलते हैं, तैसे ही सब जगत आत्मा से फूलता है। वही चिदात्मा जगत रूप होके भासता है, और सर्वात्म भाव से सब उसके ही अवयव हैं। परमार्थ निरअवयव और निराकार रूप है, उसमें कुछ उदय नहीं हुआ। हे राक्षसी, एक निमेश के अबोध से चिदअणु में अनेक कल्पों का अनुभव होता है। जैसे एक क्षण के स्वप्न में पहले आपको बालक और फिर वृद्ध अवस्था देखने लगता है, उन कल्पों में जो निमेश है उसमें अनेक कल्प व्यतीत होते हैं, क्योंकि अधिष्ठान सर्वशक्तिमान है। जैसा संवेदन जहाँ फुरता है वैसा रूप हो भासता है। जैसे स्वप्न में अभोक्ता को भोक्तृत्व का अनुभव होता है, तैसे ही निमेश में कल्प का अनुभव होता है। वासना से आवेष्टित अभोक्ता ही आपको भोक्ता देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना मरण प्रत्यक्ष देखता
लगता है, तैसे ही यह जगत भ्रम से भासता है। तैसी जहाँ स्फूर्ति दृढ़ होती है, वैसी ही होकर वहाँ भासता है। हे राक्षसी, जो कुछ आकार भासते हैं वे भ्रांति मात्र हैं। जैसे निर्मल आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में विश्व भासता है। आत्मा सर्वगत और सबका अनुभव है। हे राक्षसी, उसमें व्याप्य व्यापक भाव भी नहीं, क्योंकि सर्व आत्मा है और सर्व रूप भी वही है। जब शुद्ध चित्त संवित संवेदन में फुरता है, तब पृथक पृथक भाव चेतता है। इच्छा से जिस पदार्थ की उपलब्धि होती है, उसमें व्याप्य व्यापक भाव की कल्पना होती है। वास्तव में जो इच्छा है वही पदार्थ है। जैसे जल में द्रवता होती है और उससे तरंग फेन और बुदबुद होते हैं, सो सब जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। तैसे ही इच्छा से उपजे पदार्थ आत्मरूप हैं, उससे भिन्न नहीं। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, केवल शुद्ध चिन्मात्र और सर्वरूप होकर स्थित हुआ है, और सबका अनुभव भी उसी में हुआ है। वह तो शुद्ध सत्ता मात्र है, उसमें द्वैत कल्पना कैसे कहिए। हे राक्षसी, जब कुछ द्वैत होता है तब एक भी होता है, जो कुछ द्वैत ही नहीं तो एक कैसे कहिए। जैसे धूप की अपेक्षा से छाया है और छाया की अपेक्षा से धूप है, तैसे ही एक की अपेक्षा से द्वैत कहता है। इस कल्पना से जो रहित है वही चिन्मात्र रूप है, और जगत भी उससे व्यतिरिक्त नहीं। जैसे जल और द्रवता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी, नाना प्रकार के आरंभ में उसमें दृष्टि आते हैं तो भी आत्मसत्ता सम है। हे राक्षसी, जब सम्यक बोध होता है तब द्वैत भी अद्वैत रूप भासता है, क्योंकि अज्ञान से द्वैत की कल्पना होती है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, अज्ञान के अभाव से द्वैत का भी अभाव हो जाता है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे जल और द्रवता, वायु और स्पंदता, और आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी, द्वैत और अद्वैत जानना दुख का कारण है। द्वैत और अद्वैत की कल्पना से रहित होने को ही परमपद कहते हैं। दृष्टा रूप जो जगत है वह चिद परमाणु में स्थित है, और उसमें सुमेरु आदिक स्थित हैं। बड़ा आश्चर्य है कि माया से चिद परमाणु में त्रिलोकियों की परंपरा स्थित हैं। इसी से असंभव रूप और मायामय है। जैसे बीज में वृक्ष स्थित है, तैसे ही चिद अणु में जगत स्थित है। जैसे शाखा पत्र फूल और फल से बीज अपना बीजत्व नहीं त्यागता और अखंड रहता है, तैसे ही चिद अणु के भीतर जगत का विस्तार है और अणुत्व भाव नहीं त्यागता, अखंड ही रहता है। हे राक्षसी, जैसे बीज परिणाम में वृक्ष भाव में प्राप्त होता है, तैसे ही चिद अणु भी परिणाम में जगत रूप होता है। सब चिद अणु का किंचन रूप है, इससे ऐसे दिखाई देता है। वास्तव में न द्वैत है, न अद्वैत है, न बीज, न अंकुर है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कुछ उपजा है, न नष्ट होता है, न अस्ति है, न नास्ति है, न सम है, न असम है, और न जगत है, न अजगत है। केवल चिदानंद आत्मसत्ता अचिंत्य चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। जैसी जैसी भावना होती है तैसी ही तैसी हो भासती है। हे राक्षसी, यह अन उदय ही संवेदन के वश से उदय होकर भासता है। जैसे बीज से वृक्ष अनन्य रूप अनेक हो भासता है, तैसे ही एक आत्मा अनेक रूप हो भासता है। न कुछ उदय हुआ है और न मिटता है। हे राक्षसी, उस चिद अणु में कमल की डंडी की तात सुमेरु की भांति स्थूल है। जैसे कमल की डंडी की तात में सुमेरु स्थूल है, तैसे ही चिद अणु से कमल की डंडी स्थूल है और दृश्य रूप है। पर चिद अणु दृश्य और मन सहित षड इंद्रियों का विषय नहीं, इस कारण तात से भी सूक्ष्म है। उस चिद अणु में अनंत सुमेरु आदिक स्थित हैं, सो क्या रूप है। जैसे आकाश में शून्यता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत है। हे राक्षसी, जिसको आत्मा का बोध हुआ है
उसको जगत सुषुप्त की भांति भासता है। वह आत्मसत्ता अद्वैत रूप और परिणाम से रहित है। उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है। परमार्थ से जगत भी ब्रह्म रूप है, भिन्न भाव कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सूच्युपाख्याने परमार्थ निरूपण नाम सप्तपंचाशत्तम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर कर्कटी ने वन के मर्कटी रूप जीवों को मारने की चपलता त्याग की और भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया। जैसे वर्षा काल में मोरनी प्रसन्न होती है, चंद्रमा को देख के चंद्रवंशी कमल प्रफुल्लित होते हैं और मेघ के शब्द से बगली गर्भवती होती है, तैसे ही राजा के वचन सुनके कर्कटी परमानंद हुई और बोली, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे राजन, तुमने महापावन वचन कहे, इससे मैंने तुम्हारा विमल बोध देखा और अमृत सार और समरस से पूर्ण शुद्ध और राग द्वेष आदिक मल से रहित है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा शीतल अमृत से पूर्ण और शुद्ध होता है, तैसे ही तुम्हारा बोध है। विवेकी जगत में पूज्य है। जैसे चंद्रमा को देख के कमलनी प्रफुल्लित होती है, फूलों से मिलके वायु सुगंधवान होती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि सुख पाती है। हे राजन, वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड्ढे में गिरे, और वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर तम देखे, तैसे ही वह कौन है जो संतों की संगति करे और दुखी रहे। संतों की संगति से सभी दुख नष्ट होते हैं। हे राजन, तुम इस वन में किस प्रयोजन से आए हो? तुम तो पूजने योग्य हो। राजा बोले, हे राक्षसी, मेरे नगर में जो मनुष्य रहते हैं उनको एक विसूचिका व्याधि रोग लगा है और उससे वे बहुत कष्ट पाते हैं। औषधि भी हम बहुत कर रहे हैं पर दुख दूर नहीं होता। हमने सुना है कि एक राक्षसी जीवों को कष्ट देती है और उसका एक मंत्र भी है, उस मंत्र के पढ़ने से निवृत्त हो जाती है। इसलिए उस तुमसी राक्षसियों के मारने के निमित्त में रात्रि को वीर यात्रा करने निकला हूँ। जो वह राक्षसी तू ही है तो हमारा तेरा संवाद भी हो चुका है। उसको अंगीकार करके प्राणियों की हिंसा करना छोड़ और किसी को कष्ट न दे। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने सत्य कहा। अब मैंने हिंसा धर्म का त्याग किया और अब किसी जीव को न मारूंगी। राजा बोले, हे राक्षसी, तूने तो कहा कि अब मैं किसी जीव को न मारूंगी, पर तेरा आहार तो जीव हैं। जीवों को मारे बिना तेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? राक्षसी बोली, हे राजन, हजार वर्ष मैं समाधि में स्थित रही और जब समाधि खुली तब मुझे क्षुधा लगी। अब मैं फिर हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर निश्चल समाधि में जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही स्थित होंगी और जब समाधि से उतरूंगी तब अमृत की धारण में विश्राम करूंगी। जब उससे उतरूंगी तब शरीर का त्याग करूंगी परंतु हिंसा न करूंगी। हे राजन, जिस प्रकार मैंने हिंसा धर्म को अंगीकार किया था वह सुन। मुझको जब बड़ी क्षुधा लगी तब उसके निवारण के अर्थ मैं हिमालय पर्वत के उत्तर शिखर पर वन में एक सोने की शिला के पास लोहे के थंभ की भांति जीवों के नाश के निमित्त तप करने लगी और जब बहुत वर्ष व्यतीत हुए तब ब्रह्मा जी ने मनोवांछित वर मुझको दिया। तब मेरे दो शरीर हुए, एक आधारभूत सूर्य की भांति और दूसरा पुर्यस्तक और मैं विसूचिका नामक राक्षसी हुई। उस शरीर से मैं अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन करती रही परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जो गुणवान होंगे और जो ओम मंत्र पढ़ेंगे उन पर तेरा बल न चलेगा, तू निवृत्त हो जाएगी। हे राजन, उसी मंत्र का उपदेश अब तुम भी अंगीकार करो। उस मंत्र के पाठ से सब रोग नष्ट होंगे। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है उसको तुम नदी के तट पर जाकर और पवित्र होकर शीघ्र ही ग्रहण करो। उसके पाठ से तुम्हारी प्रजा का दुख नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब अर्धरात्रि के समय राक्षसी ने कहा तब राजा मंत्री राक्षसी तीनों निकट नदी के तीर पर गए और अनन्य व्यतिरेक करके आपस में सुहृद हुए।
जब तीनों पवित्र होकर बैठे तब जो मंत्र राक्षसी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वही मंत्र विसूचिका ने प्रीति संयुक्त राजा को उपदेश किया और वहां से चलने लगी। तब राजा ने कहा, हे महादेवी, तू हमारी गुरु है, इससे हम कुछ प्रार्थना करते हैं, उसे अंगीकार कर। जो महापुरुष हैं उनका सुंदर सुहृदपना बढ़ता जाता है और तुम्हारा शरीर भी इच्छाधारी है, इससे मन के हरने वाले भूषण वस्त्र संयुक्त स्त्री कासा लघु शरीर धर के कुछ काल हमारे नगर में निवास करो। राक्षसी बोली, हे राजन, मैं तो लघु आकार भी धरूंगी पर तुम मुझे भोजन न दे सकोगे। जो लघु स्त्री का शरीर धरूंगी तो भी मेरा स्वभाव राक्षसी का है, इसको तृप्त करना समान जनों की भांति तो नहीं। जैसा कुछ शरीर का स्वभाव है सो सृष्टि पर्यंत तैसा ही रहता है, अन्यथा नहीं होता। राजा बोले, हे कल्याण रूपिणी, तू स्त्री समान शरीर धर के हमारे नगर में चलकर रह। जो चोर पापी मेरे मंडल में आवेंगे वे हम तुझे देंगे और तू उन्हें स्त्री रूप को त्याग करके राक्षसी शरीर से एकांत ठौर ले जाकर अथवा हिमालय की कंदरा में जाके भोजन करना, क्योंकि बड़े भोजन करने वाले को एकांत में खाना सुख रूप है। जब उनको भोजन करके तृप्त होना तब सो रहना, जब निद्रा से जागना तब समाधि में स्थित होना और जब समाधि से उतरना तब फिर हमारे पास आना। हम तेरे निमित्त बंदी जन इकट्ठे कर रखेंगे, उनको ले जाकर भोजन करना। जो धर्म के निमित्त हिंसा है वह हिंसा पाप रूप नहीं और जिसकी हिंसा करता है उसका मरण भी नहीं बल्कि उस पर दया है, क्योंकि वह पाप करने से छूटता है। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने युक्ति सहित वचन कहे हैं, इससे मैं स्त्री का शरीर धर के तुम्हारे साथ चलती हूँ। युक्ति पूर्वक वचन को सब कोई मानते हैं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। इस प्रकार कहकर राक्षसी ने महासुंदर स्त्री का शरीर धारण किया और बहुत कंकड़ आदिक नाना प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनकर राजा के साथ चली। निदान राजा और मंत्री आगे चले और स्त्री पीछे चली। राजा उसको अपने ठाम में ले आया और एकांत स्थान में तीनों बैठे रात्रि में परस्पर चर्चा करते रहे। जब प्रातः काल हुआ तब सौभाग्यवती स्त्री रूप राक्षसी राजा के अंतःपुर में जा बैठी और जो कुछ स्त्रियों का व्यवहार है वह करती रही और राजा और मंत्री अपने व्यवहार में लगे। इसी प्रकार जब 6 दिन व्यतीत हुए तब राजा के मंडल में जो 3 सहस्र चोर बधे हुए थे उन सबको उसने करकटी को दे दिया और उसने राक्षसी का शरीर धर के उनको भुजा मंडल में ले जैसे मेघ बूंदों को धारता है हिमालय के शिखर को चली। जैसे किसी दरिद्री को सुवर्ण पाने से प्रसन्नता होती है तैसे वह प्रसन्न हुई और वहां जा तृप्त होके भोजन किया और सुखी होके सो रही। 2 दिन पर्यंत सोई रही, इसके उपरांत जाग के 5 वर्ष पर्यंत समाधि में लगी रही और जब समाधि खुली तब फिर राजा के पास आई। इसी प्रकार जब वह आवे तब राजा उसकी पूजा करे और जितने दुष्ट जन इकट्ठे किए हों उनको दे दे। वह उन्हें ले जाकर हिमालय की कंदरा में भोजन करके फिर ध्यान में लगे और जब ध्यान से उतरे तब फिर वहाँ आवे और फिर ले आवे। हे राम जी, इसी प्रकार जीवन मुक्त होकर वह राक्षसी प्रकृति स्वभाव को करती रही और जब अनेक वर्ष व्यतीत हुए तब राजा विदेह मुक्त हुआ। फिर जो कोई उस मंडल का राजा हो उससे भी राक्षसी की सुहृदता हो। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी सुहृदता वर्णन नाम 857 सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, निदान जब राक्षसी आवे तब किरात देश का राजा पूर्व की भांति उसकी पूजा करे और जो कुछ विसूचिका अथवा दूसरा कोई रोग उनकी प्रजा में हो उसे वह राक्षसी निवृत्त कर दे। इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हुए। एक बार उसको ध्यान में लगे हुए वर्ष व्यतीत हो गए तब किरात देश के राजा ने दुख की
निवृत्ति के लिए ऊंचे स्थान पर उसकी प्रतिमा स्थापन की और उस प्रतिमा का एक नाम कंदरा देवी और दूसरा नाम मंगला देवी रखा। उसका ध्यान करके सब पूजा करने लगे और उसी से उसका कार्य सिद्ध होने लगा। हे राम जी, उस प्रतिमा में उस देवी ने आप निवास किया। जो कोई जिस फल के निमित्त उस प्रतिमा की पूजा करे उसका कार्य सिद्ध हो और न पूजे तो दुखित हो। इससे जो कोई कुछ कार्य करने लगे वह प्रथम मंगला देवी की पूजा करे तो उसका कार्य सिद्ध होवे और जो विधि करके उसकी पूजा करे उससे बहुत प्रसन्न हो। हे राम जी, अब तक वह प्रतिमा किरात देश में स्थित है। जिस जिस फल के निमित्त उसकी कोई सेवा करता है तैसा फल उसको वह देती है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सूचा व्याख्यान समाप्त वर्णन नाम एकोन सटिस्तमस सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह आनंदित कर्कटी का आख्यान जैसे पूर्व हुआ है वैसे ही मैंने तुमसे कहा है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, राक्षसी का कृष्ण वपु किस निमित्त था और कर्कटी इसका नाम क्यों था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह राक्षसों के कुल की कन्या थी। राक्षसों का वपु शुक्ल भी होता है, कृष्ण भी होता है और रक्त पीत आदि भी होता है। हे राम जी, कर्कटी एक जलजंतु भी होता है और उसका श्याम आकार होता है। उसी के समान कर्कटा नामक एक राक्षस था, उसके समान उसकी यह पुत्री हुई, इस कारण इसका नाम कर्कटी हुआ। हे राम जी, यह कर्कटी का और कुछ प्रयोजन न था। अध्यात्म प्रसंग और शुद्ध चेतन के निरूपण के निमित्त मैंने तुमसे यह आख्यान कहा है। यह आश्चर्य है कि असत रूप जगत के पदार्थ सत रूप होकर भासते हैं और जो आत्मसत्ता सदा संपन्न रूप है वह अविद्यमान की भांति भासती है। हे राम जी, वास्तव में तो एक अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता स्थित है। भावना के वश से उसमें जगत रूप भासता है और अनन्य रूप है। जैसे जल और तरंग में कुछ भिन्नता नहीं होती तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भिन्नता नहीं। आत्मा में जगत कुछ द्वैत रूप नहीं हुआ। आत्मसत्ता सदा अपने आप ही में स्थित है और उसमें जैसा जैसा चित्त स्पंद दृढ़ होता है तैसा ही तैसा रूप होकर भासता है। जैसे वानर रेत को इकट्ठा करके उसमें अग्नि की भावना करते हैं और तापते हैं तो उनका शीत उसी से निवृत्त होता है, तैसे ही सम स्थित और शांत रूप आत्मा में जब जगत की भावना फुरती है तब नाना प्रकार का भासता है। जैसे थंभे में पुतलियां अन उदय ही शिल्पी के मन में उदय की भांति भासती हैं तैसे ही भावना के वश से आत्मा ही जगत को भासता है। जैसे बीज में पत्र फूल टहनी और वृक्ष अनन्य रूप होते हैं वैसे ही ब्रह्म में जगत अनन्य रूप है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। अविचार से भेद भासता है और विचार किए से जगत भेद नष्ट हो जाता है। हे राम जी, अब यह विचार न करना कि कैसे उपजा है, कहाँ से आया है और कब का हुआ है। जैसे हुआ तैसे हुआ, अब इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। जब तुम यह जानोगे तब हृदय की चिद जड़ ग्रंथ टूट जावेगी। शब्द और अर्थ की जो कुछ कल्पना उठती है सो मेरे वचनों और स्वरूप में स्थित भय नष्ट हो जावेगी। हे राम जी, यह सब जगत अनर्थ चित्त से उपजा है और मेरे वचनों के सुनने से शांत हो जावेगा। इसमें संशय नहीं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और सब ब्रह्म स्वरूप ही है। पर जब तुम ज्ञान से जानोगे तब ज्यों का त्यों ही जानोगे। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जो जिससे होता है वह उससे व्यतिरेक होता है। जैसे कुलाल से घट भिन्न रूप होता है तो आप कैसे कहते हैं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और ब्रह्म स्वरूप ही है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत ब्रह्म से ही उपजा है। जितने कुछ प्रतियोगी शब्द शास्त्रों ने कहे हैं सो दृश्य में हैं। शास्त्र ने उपदेश जताने के निमित्त कहे हैं, वास्तव में यह शब्द कोई नहीं। जैसे किसी बालक को परछाई में वैताल भासता है तो पूछते हैं कि किस भाग में स्थित होकर वैताल ने भय दिया है और वह कहता है कि अमुक ठौर में वैताल ने भय दिया है, सो वह व्यवहार के निमित्त कहता है।
पर वैताल तो वहां कोई भी न था, तैसे ही आत्मा में उपदेश के निमित्त भेद कल्पना करी है। वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, ब्रह्म जगत हुआ है, यह अर्थ केवल व्यतिरेक में नहीं होता। कुलाल जो दंड से घट उपजाता है, सो व्यतिरेक के अर्थ हैं। स्वामी का टहलुआ, यह भिन्न के अर्थ है, और ये अभिन्न रूप भी होते हैं। जैसे अवयवी के अवयव हैं, सुवर्ण से भूषण हैं, और मृतिका से घट हुए हैं, तैसे ही अभिन्न और अवयवी का स्वरूप है। जैसे भूषण स्वर्ण रूप है, घट मृतिका रूप है, तैसे ही ब्रह्म से उपजा जगत ब्रह्म रूप ही है। वास्तव में भिन्न अभिन्न, कारण परिणाम, भाव विकार, अविद्या और विद्या, सुख दुख आदिक मिथ्या कल्पना अज्ञान से उठती है। हे राम जी, अबोध से भेद कल्पना होती है, और ज्ञान से सब कल्पना शांत हो जाती हैं। केवल अशब्द पद शेष रहता है। जब तुम ज्ञान योग में स्थित होगे, तब ऐसे जानोगे कि आदि मध्य अंत से रहित अविभाग और अखंड रूप एक आत्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। अज्ञान से अथवा जिज्ञासु को उपदेश के निमित्त द्वैतवाद कल्पना है। बोध होने से द्वैत भेद कुछ नहीं रहता। हे राम जी, वाच्य वाचक भाव द्वैत बिना सिद्ध नहीं होता। जब बोध होता है, तब वाच्य का मौन होता है। इससे महावाक्य के अर्थ में निष्ठा करो, और जो कुछ भेद कल्पना मन ने रची है, उसकी निवृत्ति के अर्थ मेरे वचन सुनो। हे राम जी, यह मन ऐसे उपजा है जैसे गंधर्व नगर होता है, और उसी ने जगत की रचना की है। मैंने जैसे देखा है, तैसे तुमसे दृष्टांत में कहता हूँ, जिसके जाने से सब जगत तुझको भ्रांति मात्र भासेगा। यह निश्चय धारण करके तुम जगत की वासना दूर से त्याग दोगे, और बोध से सब जगत तुमको मन का मनरूप भासेगा। तब तुम आत्मरूप होकर अपने आप में निवास करोगे, अर्थात जगत की कल्पना त्याग करके अपने स्वभाव सत्ता में स्थित होगे। इसलिए इसको सावधान होकर सुनो। हे राम जी, यह मन रूपी बड़ा रोग है, इसलिए विवेक रूपी औषधि से उसको शांत करना चाहिए। सब जगत चित्त की कल्पना है, वास्तव में वह शरीर आदिक कुछ नहीं। जैसे रेत से तेल नहीं निकलता, तैसे ही जगत से वास्तव में कुछ नहीं निकलता, चित्त द्वारा भासता है। वह चित्त रूपी संसार स्वप्न की भांति है, और राग द्वेष आदि संकल्पों से युक्त है। जो उससे रहित होता है, वही संसार समुद्र के पार जाता है। इसलिए शुभ गुणों से चित्त की शुद्धि करो। जो विवेकी हैं, वे शुभ कार्य करते हैं, अशुभ नहीं करते, और आहार व्यवहार भी विचार के करते हैं। उन्हीं आर्यों की भांति तुम भी शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करो। जब तुमको ऐसा अभ्यास होगा, तब तुम शीघ्र ही ज्ञानवान होगे, और ज्ञान के प्राप्त होने से सब कल्पना मिट जावेगी और आत्म स्थिति होगी। चित्त ने सब जगत रूपी चित्र मन ही मन रचे हैं। जैसे मोर का अंडा काल पाकर अनेक रंग धारण करता है, तैसे ही मन अनेक प्रकार के जगत धारण करता है। वह मन जड़ और अजड़ रूप है। उसमें जो चेतन भाग है, वह सब अर्थों का बीज रूप है, अर्थात सबका उपादान है, और जड़ भाग जगत रूप है। हे राम जी, सर्ग के आदि में पृथ्वी आदिक तत्व न थे। जैसे स्वप्न में जगत विद्यमान की भांति भासता है, तैसे ही ब्रह्मा ने विद्यमान की भांति उसको देखा, जड़ संवेदन से पहाड़ आदिक जगत देखा, और चेतन संवेदन से जंगम रूप देखा। वह सब जगत दीर्घ वेदना है। वास्तव में देहादिक सब शून्य हैं, और आत्मा में व्यापे हुए हैं। आत्मा का कोई शरीर नहीं। अपने से जो दृश्य रूप मन चेता है, वही आत्मा का शरीर है। वह आत्मा विस्तरण रूप है और निर्मल स्थित है, और मन उसका आभास रूप है। जैसे सूर्य की किरणों से जलाभास होता है, तैसे ही आत्मा का आभास मन है। वह मन रूपी बालक अज्ञान से जगत रूपी पिशाच को देखता है, और ज्ञान से परमात्म पद शांत रूप निरामय को देखता है। हे राम जी, जब आत्मा चैत्यता को प्राप्त होती है, तब वही चित्त रूप दृश्य एक ब्रह्म का द्वैत देखता है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ।
गुरु के वचन जो दृष्टांत सहित होते हैं और वाणी भी मधुर और स्पष्ट होती है, तो श्रोता के हृदय में वह अक्षर जैसे जल के तेल की बूंद फैल जाती है तैसे ही फैल जाते हैं। और जो दृष्टांत से रहित होते और अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो वह क्षोभ संयुक्त वचन कहता है और अक्षर पूर्ण नहीं होते, इसलिए वे वचन श्रोता के हृदय में नहीं ठहरते और उपदेष्टा के वचन निष्फल हो जाते हैं। मैं तुमसे एक आख्यान नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित मधुरवाणी में स्पष्ट करके कहता हूँ। जैसे चंद्रमा की किरणें अपने गृह पर उदय हों और मंदिर शीतल हो जावे, तैसे ही मेरे स्पष्ट वचन और प्रकाश रूप अर्थ सुनने से तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जावेगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मन अंकुरोत्पत्ति कथन नाम षष्टितमस्सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पूर्व जो मुझको ब्रह्मा जी ने सर्ग का वृतांत कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवन, ये जगत गण कहाँ से आए और कैसे उत्पन्न हुए? तब पितामह जी ने मुझसे इंदु ब्राह्मण का आख्यान इस भांति कहा। वे बोले, हे मुनीश्वर, यह सब जगत मन से उपजा है और मन से ही भासता है। जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही मन के फुरने से सब जगत फुरते हैं और मन रूप ही हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व कल्प में मैंने एक वृतांत देखा है, उसे सुनो। एक समय जब दिन का क्षय हुआ, तब मैं संपूर्ण सृष्टि को संहार एकाग्र भाव हो रात्रि को स्वस्थ भाव होकर सो रहा। जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और मैं जागा, तब मैंने उठकर विधि संयुक्त संध्यादिक कर्म किए और बड़े आकाश की ओर देखा कि तम और प्रकाश से रहित, शून्य रूप और इतर से रहित व्यापित है। चिदाकाश में चित्त को मिला के जब मैंने सर्ग के उपजाने का संकल्प चित्त में धारण किया, तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश में सृष्टि दृष्ट आई। वह सृष्टि मुझे बड़े विस्तार सहित और परस्पर अदृष्ट रूप दृष्टि आई और हर सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवता भी थे। देवता गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत, पृथ्वी, नदियाँ, सातों समुद्रादिक सब सृष्टि के विस्तार हैं। वे 10 सृष्टि हैं, उनमें जो 10 ब्रह्मा देखे वे मानो मेरे ही प्रतिबिंब कमल से उत्पन्न हुए हैं और राजहंस के ऊपर आरूढ़ हैं। उनकी भिन्न भिन्न सृष्टि है, उनमें नदी के बड़े प्रवाह चलते हैं, वायु आकाश में चलता है, सूर्य और चंद्रमा उदय होते हैं, देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य पृथ्वी में फिरते हैं, दैत्य और नाग पाताल में भोग भोगते हैं और काल चक्र फिरता है, 12 मास उसकी 12 कीलें हैं और बसंतादिक षट ऋतु हैं। वासना के अनुसार शुभाशुभ आचार करके लोग नरक स्वर्ग भोगते हैं और मोक्ष फल पाते हैं। हर सृष्टि में सप्त द्वीप हैं, उत्पत्ति और प्रलय कल्प होते हैं और गंगा जी का प्रवाह जगत के गले में यज्ञोपवीत है। कहीं ऐसे सृष्टि स्थित हैं, कहीं सदा प्रकाश रहता है और कहीं अहंकार से स्थावर जंगम प्रजा हैं। बिजली की भांति सृष्टि उपजती और मिट जाती है, जैसे वृक्ष के पत्र उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही और गंधर्व नगरवत सृष्टि देखी। एक एक ब्रह्मांड में स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी, जैसे गूलर के फल में अनेक मच्छर होते हैं। आत्मा में काल का भी अभाव है, क्षण, लव, दिन, मास और वर्षों का प्रभाव चला जाता है। हे मुनीश्वर, अंतवाहक दृष्टि से मैंने उन सृष्टियों को देखा। जब मैं चर्म दृष्टि से देखूं तब कुछ न भासे और दिव्य दृष्टि से देखूं तो सब कुछ भासे। चिरकाल पर्यंत मैं यह चरित्र देखता रहा कि कदाचित चित्त भ्रम हो तो स्पष्ट भासे। तब एक सृष्टि के सूर्य को देख के मैंने आवाहन किया और जब वह मेरे निकट आया तो मैंने उससे कहा, हे देव देवेश भास्कर, तुम कुशल तो हो। ऐसे कहकर फिर मैंने कहा कि हे सूर्य, तुम कौन हो और यह सृष्टि कहाँ से उपजी हैं? यह एक जगत है, वह ऐसे अनेक जगत हैं, जैसे तुम जानते हो कहो। तब वह सूर्य भी, जो त्रिकाल ज्ञान रखता था, मुझको जान के प्रणाम कर आनंदित वाणी से बोला, हे ईश्वर, इस दृश्य रूपी पिशाच के आप ही नित्य कारण होते हैं, आप तो सब जानते ही हैं।
तो मुझसे क्यों पूछते हैं? यदि लीला के अर्थ पूछते हो तो जैसे हुआ है तैसे मैं आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ। हे भगवन, यह जो सत असत रूपी नाना प्रकार के व्यवहारों संयुक्त जगत भासता है वह सब मन के फुरने में स्थित है। इतसी योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे आदित्य समागम नाम एक षष्ठतमः सर्गः। भानु बोले, हे भगवन, आपका जो कल्प का दिन व्यतीत भया है उसमें जो जम्बू द्वीप था उसके एक कोने में कैलाश पर्वत था और उसकी कंदरा में सुवर्ण ज्येष्ठ नाम आपका एक पुत्र रहता था। उसने वहाँ एक कुटी रची जिसमें साधुजन निवास करते थे। इंदु नाम ब्राह्मण वेदवेत्ता शांत रूप ने कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हो स्त्री सहित उस कुटी में जाके निवास किया और उस स्त्री से प्राणों की भांति स्नेह करता था। जैसे मरुस्थल में घास नहीं उपजती तैसे ही उससे संतान न उपजे और जैसे शरत काल की बेल बहुत सुंदर होती है परंतु फल से शून्य होती है तैसे ही वह स्त्री थी। तब दोनों स्त्री पुरुष पुत्र के निमित्त कैलाश के निकट निर्जन स्थान और कुंज में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ बैठे और तप करने लगे। कुछ दिन तक वे केवल जलपान कर भोजन कुछ न करें और रात दिन व्यतीत करें, फिर कुछ समय तक एक ही अंजलि जलपान करने लगे और फिर उसका भी त्याग कर और फुरने से रहित हो वृक्ष की भांति बैठे रहे। निदान जब उनको तप करते त्रेता और द्वापर युग बीते तब शशकलाधारी भवानी शंकर तुष्ट मन होकर आए और क्या देखा कि स्त्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। तब उन्होंने शिव जी को देख के प्रणाम किया तो जैसे दिन की तपन से सकुची हुई चंद्रमुखी कमलनी चंद्रमा के उदय होने से प्रफुल्लित हो आती है तैसे ही महामहिम की भांति शिव जी को देखकर वे प्रफुल्लित हुए, मानो आकाश और पृथ्वी दोनों रूप धर के आन खड़े हुए हैं। ऐसे भवानी शंकर ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर तुष्ट हुआ, जो कुछ तुमको वांछित वर है सो तू मांग। हे ब्रह्मा जी, जब ऐसे शिव जी ने कहा तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर कहने लगा, हे भगवन, हे देव देवेश, मेरे गृह में 10 पुत्र बड़े बुद्धिमान और कल्याण मूर्ति हों जिससे मुझको फिर शोक कदाचित न हो। तब ईश्वर ने कहा, ऐसे ही होगा। ऐसे कहकर जब शिवजी समुद्र के तरंगवत अंतर्ध्यान हुए तब वे स्त्री पुरुष दोनों शिव के चरणों को ग्रहण करके प्रसन्न हुए और जैसे सदाशिव और भवानी की मूर्ति है तैसे प्रसन्न होकर वे अपने गृह में आए। निदान ब्राह्मणी गर्भवती हुई और समय पाके उसके 10 पुत्र हुए। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की शोभा होती है तैसे ही उसकी शोभा हुई और 16 वर्ष के आकार की भांति ब्राह्मणी का आकार रहा, वृद्ध न हुई। वे बालक 10ों संस्कारों को ले उपजे और जैसे वर्षा काल की बदली थोड़ी भी शीघ्र बड़ी हो जाती है तैसे ही वे थोड़े ही काल में बड़े हो गए। जब 7 वर्षों के हुए तब वे सब वाणी के वेत्ता हुए और उनके माता और पिता दोनों शरीर त्याग के अपनी गति में प्राप्त हुए। वे 10ों ब्राह्मण माता पिता से रहित हो गृह को त्याग के कैलाश के शिखर पर जा चढ़े और परस्पर विचार करने लगे कि वह कौन ईश्वर है जो परमेश्वर रूप है और वह कौन ईश्वर पद है जिसके पाने से फिर दुखी भी न हो और नाश भी न हो और सबका ईश्वर हो। तब एक भाई ने कहा कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य मंडलेश्वर का है क्योंकि सब पर उसकी आज्ञा चलती है। दूसरे भाई ने कहा कि मंडलेश्वर की विभूति भी कुछ नहीं क्योंकि वह भी राजा के अधीन होता है, इससे राजा का पद बड़ा है। तीसरे ने कहा राजा की विभूति भी कुछ नहीं क्योंकि राजा चक्रवर्ती के अधीन होता है, इसलिए चक्रवर्ती का पद बड़ा है। चौथे ने कहा कि चक्रवर्ती भी कुछ नहीं क्योंकि वह भी यम के अधीन होता है, इससे यम का पद बड़ा है। पांचवें ने कहा कि इंद्र के आगे यम की विभूति कुछ नहीं, इससे इंद्र का पद बड़ा है। छठे ने कहा कि इंद्र की विभूति भी कुछ नहीं, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में इंद्र नष्ट हो जाता है। तब सबसे बड़े भाई ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, गंभीर वचन से कहा कि जो कुछ विभूति है सो सब ब्रह्मा के कल्प में नष्ट हो जाती है, इससे बड़ा ऐश्वर्य ब्रह्मा जी का है, इससे बड़ा और कोई नहीं।
हे भगवन, इस प्रकार जब बड़े भाई ने कहा तब सबने कहा भली कही भली कही। फिर सबने बड़े भाई से कहा, हे तात, जो सबका दुख नाश करता और जगत पूज्य ब्रह्म पद है तो उसको कैसे प्राप्त हों? जिस उपाय से हम प्राप्त हों वह उपाय कहो। उसने कहा, हे भाइयों, और सब भावनाओं को त्याग करो और यह निश्चय करो कि हम ब्रह्मा हैं और पद्मासन पर बैठे हैं। सब सृष्टि के कर्ता और सबकी पालना और संहार करता हम ही हैं, और जो कुछ जगत जाल है उसका आश्रय भूत हम नहीं। सब सृष्टि हमारे अंग में स्थित है। जब हम ऐसा निश्चय और सजात भावना धर के बैठेंगे तब हमको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। हे भगवन, जब इस प्रकार बड़े भाई ने कहा तब छोटे भाइयों ने कहा, हे तात, तुमने यथार्थ कहा है, जैसे तुमने कहा है तैसे ही हम करते हैं। ऐसा कहकर सब ध्यान में स्थित हुए और जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है तैसे ही दसों ध्यान स्थित हुए। मन में हरेक ने यही चिंतवन किया कि मैं ब्रह्मा हूँ, कमल मेरा आसन है, मैं सृष्टिकर्ता और भोक्ता हूँ, और महेश्वर भी मैं ही हूँ। सांगो पांग जगत कर्म मैंने ही रचे हैं, सरस्वती और गायत्री सहित वेद मेरे आगे खड़े हैं, और इस लोकपाल और सिद्धों के मंडलों को पालने वाला भी मैं ही हूँ। स्वर्ग, भूमि, पाताल, पहाड़, नदियाँ और समुद्र सब मैंने रचे हैं, और महाबाह वज्र को धारने वाला और यज्ञों का भोक्ता इंद्र मैंने ही रचा है। सूर्य मेरी आज्ञा से तपता है, और जगत की मर्यादा के निमित्त सब लोकपाल मैंने ही रचे हैं। जैसे गौ को गोपाल पालता है तैसे ही लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हैं, और जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं तैसे ही जगत मुझसे उपजा है और फिर मुझमें ही लीन होता है। क्षण, दिन, मास, वर्ष, युग आदि काल मेरे ही रचे हुए हैं, और मैंने ही सब काल के नाम रखे हैं। मैं ही दिन को उत्पन्न करता हूँ और रात्रि को लीन कर लेता हूँ। सदा आत्मपद में स्थित हूँ और पूर्ण परमेश्वर मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार वे दशों भाई भावना धारण कर बैठे रहे, मानो कागज पर मूर्ति लिख छोड़ी है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ऐदव समाधि वर्णन नाम द्विषष्टितम सर्गः। भानु बोले, हे भगवन, इस प्रकार इंदु के दशों पुत्र पितामह की भावना धारण करके बैठे, और जैसे जेठ अषाढ़ में कमल के पत्र सूख कर गिर पड़ते हैं तैसे ही उनकी देह धूप और पवन से सूख कर गिर पड़ी। तब वनचर उनके शरीरों को आपस में खींच कर भक्षण कर गए। जैसे वानर फल पकड़ते हैं और विदारण करते हैं तैसे ही इनके देह वे विदारने लगे, तो भी उनकी वृत्ति ध्यान से छूट के बाह्य देहादिक अभ्यास में न आई, ब्रह्मा की भावना में ही लगी रही। इस प्रकार जब चारों युग का अंत हुआ और तुम्हारे कल्प दिन का क्षय होने लगा तब द्वादश सूर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गरज के वर्षने लगे, बड़ा भूचाल आया, वायु चलने लगा, समुद्र उछलने लगे, सब जल ही जल हो गया और सब भूत क्षय हो गए। जब सबको संहार करके रात्रि को वे आत्मपद में स्थित हुए तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए और पुर्यष्टक आकाश में आकाश रूप होके ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्र भावना के वश से दसों सृष्टि सहित भिन्न भिन्न अपनी अपनी सृष्टि के दस ब्रह्मा हुए। फिर जाग कर देखते हैं कि आकाश में फुरते हैं। हे भगवन, उन दशों ब्राह्मणों के चित्त आकाश में ही सब सृष्टि स्थित हैं। उन दशों सृष्टियों में से एक सृष्टि का सूर्य मैं हूँ, आकाश में मेरा मंदिर है, और क्षण, दिन, पक्ष, मास और युग मुझसे ही होते हैं। इस क्रिया में मुझको उन्होंने लगाया है। हे भगवन, इस प्रकार मैंने आपसे दशों ब्रह्मा और उनकी दसों सृष्टि कही। वे सृष्टि सब मनोमात्र हैं। अब जैसी आपकी इच्छा हो तैसी कीजिए। भिन्न भिन्न जगत जाल कल्पना जो इंद्रजाल की भांति विस्तृत हुई हैं वे चित्त के भ्रम से भासती हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जगत रचना निर्वाण वर्णन नाम त्रिषष्टितम सर्गः। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार ब्रह्मा के सूर्य ब्रह्मा से कहकर जब तृष्णीम हुए तब उनके वचनों को विचार कर मैंने कहा,
हे भानु, तुमने सृष्टि 10 कही, अब मैं क्या रचूं? यह तो 10 सृष्टि हुई हैं और 10 ब्रह्मा हैं, अब मेरे रचने से क्या सिद्ध होगा? हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार मैंने कहा तब सूर्य विचार कर बोले, हे प्रभो, आप तो निरीक्षित हैं, आपको सृष्टि रचने में कुछ इच्छा नहीं। सृष्टि की रचना आपको विनोद मात्र है, किसी कामना के निमित्त नहीं रचते। आप निष्काम रूप हैं, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है और जल बिना प्रतिबिंब की कल्पना नहीं होती, तैसे ही संवेदन करके आपसे सृष्टि की रचना होती है। अज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता भासते हैं, पर आप तो सदा ज्यों के त्यों निष्क्रिय रूप हैं। हे भगवन, आपको शरीर आदि की प्राप्ति और त्याग में कुछ द्वेष नहीं और उत्पत्ति और संहार की आपको कल्पना नहीं। लीला मात्र आपसे सृष्टि होती है, जैसे सूर्य से दिन होता है और सूर्य के अस्त होने से दिन लय हो जाता है, पर सूर्य असंसक्त रूप है, तैसे ही आप में संवेदन के फुरने से सृष्टि होती है और संवेदन के अस्फुर हुए सृष्टि का लय होता है, पर आप सदा अनासक्त हैं। जगत की रचना आपका नित्य कर्म है और उस कर्म के त्याग करने से आपको कुछ अपूर्व वस्तु भी नहीं प्राप्त होती। इससे जो कुछ आपका नित्य कर्म है उसे कीजिए। हे जगतपति, जैसे निष्कलंक दर्पण प्रतिबिंब अंगीकार करता है, तैसे ही महापुरुष यथा प्राप्त कर्म को असंसक्त होकर अंगीकार करते हैं। जैसे ज्ञानवान को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं, तैसे ही उसको करने में और न करने में कुछ प्रयोजन नहीं। करना न करना दोनों उसको सम है, इस कारण दोनों में आप सुषुप्ति रूप हैं। हे भगवन, आप तो सदा सुषुप्ति रूप हैं और उत्थान किसी प्रकार नहीं। इससे आप सुषुप्ति रूप प्रबोध होकर अपने प्रकृत आचार कीजिए। जो इंदु ब्राह्मणों के पुत्रों की सृष्टि देखो तब भी विरुद्ध कुछ नहीं, जो ज्ञान दृष्टि से देखो तो एक ही अद्वैत ब्रह्म है और कुछ नहीं बना, और जो चित्त दृष्टि से देखो तो संकल्प रूप अनेक सृष्टि फुरती हैं, उसमें आस्था करनी क्या है? जो चर्म दृष्टि से देखो तो आपको सृष्टि भासती ही नहीं, उनके साथ आपको क्या? उनकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है और उनकी सृष्टि आप नाश भी न कर सकेंगे, क्योंकि जो इंद्रियों से कर्म होता है वह नष्ट हो सकता है, परंतु मन के निश्चय को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे भगवन, जो निश्चय जिसके चित्त में दृढ़ हो गया है उसको वही निवृत्त करे तो निवृत्त होता है, और कोई निवृत्त नहीं कर सकता। देह नष्ट होने से निश्चय नहीं नष्ट होता, जो चिरकाल का निश्चय दृढ़ हो रहा है उसका स्वरूप से नाश नहीं होता। हे भगवन, जो मन में दृढ़ निश्चय हो रहा है वही पुरुष का रूप है, उसका निश्चय और किसी से नहीं होता। जैसे जल सींचने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही चित्त का निश्चय और से चलायमान नहीं होता। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे एन्दव निश्चय कथन नाम चतुःषष्टितमः सर्गः। भानु बोले, हे देवेश, इस पर एक पूर्व इतिहास है, वह आप सुनिए। इंद्रद्रुम नामक एक राजा था और उसकी कमल नयनी अहिल्या रानी थी। उसके नगर में इंद्र नामक एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुंदर और बलवान रहता था। एक समय उस रानी ने पूर्व की अहिल्या, गौतम की स्त्री और इंद्र की कथा सुनी। तब एक सहेली ने कहा, हे रानी, जैसे पूर्व अहिल्या थी तैसे ही तुम भी हो, और जैसा वह इंद्र सुंदर था तैसे ही तुम्हारे नगर में भी एक इंद्र ब्राह्मण है। हे भगवन, जब इस प्रकार रानी ने सुना तब उस इंद्र में रानी का अनुराग हुआ, परंतु वह रानी को न मिले और रानी का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सूखता जावे। निदान राजा ने सुना कि उसको गर्मी का कुछ रोग है, इस कारण उसकी निवृत्ति के लिए केले के पत्र और शीतल औषधि उसको दिलवाए, परंतु उसको वांछित पदार्थ कोई दृष्टि न आए, और खाना पीना शय्यादिक जो कुछ इंद्रियों के वांछित पदार्थ हैं वह उसको कोई सुख रूप न भासे, वह दिन दिन पीतवर्ण होती जावे, और इंद्र के वियोग से जैसे जल बिना मछली मरुस्थल में तड़फे,
ऐसे ही वह तड़फती रहे और कहे, हा इंद्र हा इंद्र। निदान जब उसने लोक लाज त्याग दी तब इंद्र में उसका बहुत स्नेह बढ़ गया। तब विचार कर एक सखी ने कहा, हे रानी, मैं ब्राह्मण को ले आती हूँ। यह सुन रानी सावधान हुई और जैसे चंद्रमा को देख के कमलनी खिल आती है तैसे वह खिल आई। वह सखी रानी से कहके ब्राह्मण के घर गई और उस इंद्र को प्रबोध करके रात्र के समय अहिल्या के पास ले आई। जब वह गोप्य स्थान में इकट्ठे हुए तो परस्पर लीला करने लगे और दोनों का चित्त परस्पर स्नेह से बंध गया और बहुत प्रसन्न हुए। जैसे चकवी चकवे और रति और कामदेव का स्नेह होता है तैसे ही उनका स्नेह हुआ और एक दूसरे के बिना एक क्षण भी न रह सके। निदान सब क्रिया उनकी निवृत्त हो गई और लज्जा भी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रमुखी कमल प्रसन्न हो तैसे ही एक दूसरे को देख के वे प्रसन्न होवें। हे भगवन, उस रानी का भर्ता भी बड़ा गुणवान था परंतु रानी ने भर्ता का त्याग किया और इंद्र से उसने स्नेह किया। जब राजा ने उनका संपूर्ण वृतांत सुना तो उनको दंड देने लगा परंतु उनको कुछ खेद न हो और जब कीचड़ में डालें तब कमल की भांति ऊपर ही रहे, कुछ कष्ट न हो। फिर जब बर्फ में उनको डाला तो भी खेदवान न हुए। तब राजा ने कहा, हे दुर्मतियों, तुमको दुख क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा, हमको दुख कैसे हो, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब अहिल्या ने कहा, मुझको सब इंद्र ही भासता है, भिन्न दुख क्या हो? इंद्र ने कहा, मुझको सब अहिल्या ही भासती है, भिन्न दुख कहाँ हो? तेरे दंड देने से हमको कुछ दुख नहीं होता, हम परस्पर हर्षवान हैं। तब राजा ने उनको बांधकर अग्नि में डाल दिया तो भी वह न जले और फिर हाथी के चरणों तले डलवा दिए तो भी उनको कुछ कष्ट न हुआ। तब राजा ने कहा, रे पापियों, तुमको अग्नि आदिक में दुख क्यों नहीं होता? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जगत जाल है वह मन में स्थित है। जैसा मन है तैसा पुरुष रूप है। जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई हमको दंड दे परंतु हमको कुछ दुख न होगा क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर प्रतिभा हो रही है। जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, हमको अनिष्ट तो कोई नहीं तब दुख कैसे हो? हे राजन, जो कुछ मन में दृढ़ीभूत होता है वही भासता है, उसका निश्चय कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। हे राजन, जो मन में तीव्र संवेग होता है सो वर और शाप से भी दूर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत को मंद मंद वायु नहीं चला सकता तैसे ही मन के निश्चय को कोई नहीं चला सकता। मेरे हृदय में इसकी मूर्ति स्थिरी भूत है और इसके हृदय में मेरी मूर्ति स्थिरी भूत है। इसको सब जगत मैं ही भासता हूँ और मुझको सब जगत यही भासती हैं। जो कुछ दूसरा भासे तो दुख भी हो, जैसे लोहे के कोट में कोई दुख नहीं दे सकता तैसे ही मुझको कोई दुख नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब ओर से अहिल्या भी भासती है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की वर्षा में पर्वत चलायमान नहीं होता तैसे ही हमको दुख नहीं। हे राजन, मन का ही नाम अहिल्या और इंद्र है और मन ही ने सब जगत रचा है। जैसा जैसा मन में दृढ़ निश्चय होता है तैसा ही भासता है और सुमेरु की भांति स्थिर हो जाता है, कदापि नष्ट नहीं होता। जैसे पत्र कमल फूल और टहनी के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब बीज भी नष्ट हो तब वृक्ष नष्ट होता है, तैसे ही शरीर के नष्ट होने से मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। जब मन का निश्चय ही उलट पड़े तब ही दूर होता है। एक शरीर जब नष्ट होता है तब जीव और शरीर धर लेता है। जैसे स्वप्न में यह शरीर रहता है और अन्य शरीर धर के चेष्टा करता है तो शरीर के ही अधीन हुआ, तैसे ही शरीर के नष्ट हुए मन का निश्चय दूर नहीं होता। जब मन नष्ट होता है तब शरीर के होते भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती। इससे सबका बीज मन ही है। जैसे पत्र टहनी फल और फूल का कारण जल है तैसे ही सब पदार्थों का कारण मन है। जैसा चित्त है तैसा रूप पुरुष का है। इससे जहाँ मेरा चित्त जाता है वहाँ सब ओर से रानी ही भासती है, मुझको दुख कैसे हो?
इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे कृत्रिम इंद्र वाक्य नाम पंचषष्टितमः सर्गः। भानु बोले, हे भगवन, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने भरत नाम ऋषीश्वर से जो समीप बैठे थे कहा, हे सर्व धर्मों के वेत्ता भरत मुनीश्वर, तुम देखो कि यह कैसा ढीठ पापात्मा है। जैसा इनका पाप है उसके अनुसार इनको शाप दो कि यह मर जावें। जो मरने योग्य न हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, तैसे ही पापी के न मारने से भी पाप होता है। इससे इन पापियों को शाप दो कि यह नष्ट हो जावें। भरत मुनि ने उनका पाप विचार के कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ। तब उस इंद्र ब्राह्मण ने कहा, रे दुष्टों, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे। हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर्य दशा न होगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिर पड़े जैसे मूल के काटे वृक्ष गिर पड़ता है, और वासना संयोग से दोनों मृग हुए। वहां भी परस्पर स्नेह में रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग किया और अब हमारी सृष्टि में तपकर्ता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए हैं। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया तो उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मन को जो कुछ निश्चय था सो नष्ट न हुआ। वे जहाँ शरीर पावें वहाँ दोनों इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेमवान रहें और किसी से आनंदमान न हों। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे अहिल्यानुराग समाप्ति वर्णन नाम षट्षष्टितमः सर्गः। भानु बोले, हे नाथ, आप देखें कि जैसा मन का निश्चय होता है उसके अनुसार आगे भासता है। इंदु के पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे जगत के पति, मन ही जगत का कर्ता और मन ही पुरुष है। मन का किया सब कुछ होता है और शरीर का किया कोई कार्य नहीं होता। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषध से दूर नहीं होता। जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना नहीं दूर होता, तैसे ही मन का निश्चय भी किसी और से दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे तभी दूर हो, इसी से कहा है कि अनेक सृष्टि के भ्रम चित्त में स्थित हैं। इससे हे ब्रह्मा जी, आप भी चिदाकाश में सृष्टि रचो। हे नाथ, तीन आकाश हैं, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। ये तीनों अनंत हैं, इनका अंत कहीं नहीं। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय से प्रकाशित हैं। इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रचिए। चिदाकाश अनंत रूप है। इंदु ब्राह्मण के पुत्रों ने आपका क्या लिया है? अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब सूर्य ने मुझसे कहा तो मैंने विचार करके कहा, हे भानु, तुमने युक्त वचन कहे हैं कि एक भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है और तीसरा चिदाकाश है। वे तीनों अनंत हैं, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय फुरते हैं। इससे हम भी अपने नित्य कर्म करते हैं और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वह तुम भी मानो। मेरी सृष्टि में तुम मनु प्रजापति हो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे रचो। सूर्य ने मेरी आज्ञा मान के अपने दो शरीर किए, एक तो पूर्व के सूर्य से उस सृष्टि का सूर्य हुआ और दूसरा शरीर स्वयं भू मनु का किया, और मेरी आज्ञा के अनुसार उसने सृष्टि रची। इससे मैंने तुमसे कहा है कि यह जगत सब मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे इंदु ब्राह्मण की सृष्टि हुई, हे मुनीश्वर, देह के नष्ट हुए भी मन का निश्चय दूर नहीं होता। चित्त में फिर भी वही भास आता है, वह चित्त आत्मा का किंचन रूप है। जैसे उसमें स्फूर्ति होती है तैसे ही होकर भासता है। प्रथम जो शुद्ध संवित रूप में उत्थान हुआ है वह अंतवाहक शरीर है, और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप का प्रमाद हुआ
तो आधिभौतिक शरीर हुए, और जब आधिभौतिक का अभिमानी हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। देहाभिमान से नाना प्रकार की वासना होती है और उसके अनुसार घटी यंत्र की भांति भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर दृश्य शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब दृश्य भ्रम से भासता है, वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई जगत है, यह सब भ्रम चित्त ने रचा है, उसके अनुसार घटी यंत्र की भांति भटकता है। फिर जब आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि ले सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है, वास्तव में न कोई माया है और न कोई जगत है, यह सब भ्रम भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं, चित्त के फुरने से ही अहं त्वं आदिक भ्रम भासते हैं। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्मरूप हो गए, तैसे ही मैं ब्रह्मा हूँ। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही ब्रह्मारूप होकर स्थित है, और शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। जब इसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों को सृष्टि भासती, और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है और नाश भाव से असत्य है, और वह सब मन में फुरता है। मन के दो रूप हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है, और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे सुवर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, तैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वास्तव में ब्रह्मादिक तृण पर्यंत सभी चैतन्य रूप हैं। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो, जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य हैं, क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा प्रकाशते हैं। हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप हैं, जो चेतन स्वरूप न हो तो क्यों भासें? चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता, प्रमाद दोष से है, वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं उनका प्रमाद होता है, तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है और स्वरूप दर्शी को सब एक स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैत्यता हुई वही मन हुआ, उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है, और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही अहं चेतन मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म ही में होती है, वह परम पद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैत्य भाव को चेतता है तब जड़ भाव को देखता है, जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता, और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल भासता है, और जब चेतन आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारस मणि के मिलाप से तांबा सुवर्ण हो जाता है और फिर उसका तांबा भाव नहीं रहता, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य भाव नहीं रहती। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव
जल जाता है और शुद्ध चेतन मात्र शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं, इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश के फूल और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। यह जगत भ्रम चित्त में है, जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही हो भासता है। इसी पर अहिल्या और इंद्र का दृष्टांत कहा है। इससे जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा हो भासता है। हे वशिष्ठ जी, जिसको यही भावना दृढ़ है कि मैं देह हूँ, वह पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता है और इसी कारण बहुत काल पर्यंत कष्ट पाता है। जैसे बालक वैताल की कल्पना से भय पाता है, तैसे ही देह में अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से निवृत्त होकर शुद्ध चेतन भाव में प्राप्त होती है, उसको देहादिक जगत भ्रम शांत हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव क्रमोपदेशो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब मैंने फिर प्रश्न किया, हे भगवन, आपने कहा है कि शाप में मंत्रादिकों का बल होता है, वह शाप भी अचल रूप है, मिटता नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि शाप से मन, बुद्धि और इंद्रियां भी जड़ीभूत हो जाती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि देह को शाप हो और मन को न हो। हे भगवन, मन और देह तो अनन्य रूप हैं, जैसे वायु और स्पंद में और घृत और चिकनाई में भेद नहीं होता, तैसे ही मन और जगत में भेद नहीं। यदि कहिए कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है और देह भी चित्त में कल्पित है, जैसे स्वप्न देह मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एक के नष्ट हुए दोनों क्यों नहीं नष्ट होते? जैसे देह के शाप से चाहिए कि मन को भी शाप लग जावे, तो मैंने देखा है कि शाप से भी जड़ीभूत हो गए हैं, और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता, यह कैसे जानिए? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पूर्ण रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध न हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिस जिसकी भावना होती है तैसा ही रूप हो भासता है। सब जगत में दो शरीर हैं, एक मन रूपी जो चंचल रूप है और दूसरा आधिभौतिक मांसमय शरीर है। उसका किया कार्य निष्फल होता है और मन से जो चेष्टा होती है वह सफल होती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहं भाव है उसको आधि व्याधि और शाप भी अवश्य लगता है, और मांसमय शरीर में जो गूंगे, दीन और क्षण नाश हैं उनके साथ जिसका संयोग है वह दीन रहता है। चित्त रूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन में है, जैसा जैसा मन में निश्चय है सो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मपद में स्थित किया है उनको अग्नि में भी डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता, और जल में भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीरादिक भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है, और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि यह दृढ़ लगा न था, अभ्यास की शिथिलता थी। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। इससे मन में मन को समाये चित्त को परम पद में लगाओ। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। मांडव्य ऋषिश्वर को जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था शूली पर भी खेद न हुआ। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न हुआ तैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता।
हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था, वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा और जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी उससे वे दशों ब्रह्मा हुए और दशों ने अपनी अपनी सृष्टि रची और वह सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती, उनको संसार की आदि व्याधि ताप शाप मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख हैं नहीं स्पर्श करते थे। जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं फोड़ सकता, तैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडन कर सकता। जिसको आदि व्याधि दुख देते हैं उसे जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो तो जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में वैताल भास आता है तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है और वृत्ति रूपी मृतिका है। उस मन से वृत्त क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृतिका कुलाल द्वारा घटादिक अनेक आकार को धरती है तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उलूकादि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूप भासती हैं और कितनों को विष में अमृत की भावना होती है तो उनको विष भी अमृत रूप हो भासता है। इसी प्रकार कटु अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसी ही रच लेता है और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है असत्य नहीं और नष्ट भाव से असत्य है सत्य नहीं और सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मनोमहात्म वर्णन नाम अष्टषष्टितमः सर्गः।